एक बहुत कॉमन कंप्लेंट और हर माँ या बाप के मुँह से जो हमारे पास आते हैं जो अपनी कंसर्न्स लेकर आते हैं उनका पहला जुमला ये होता है बच्चा बड़ा बदतमीज़ है जी बच्चा बड़ा बदतमीज़ है और इस पर मैं सोचती रही काफ़ी देर मैं आई वॉज थिंकिंग ओवर इट क्योंकि मेरा जो जब मैं वीडियोस भी बनाती हूँ आपने देखा होगा कि एक ही टाइम पे काफ़ी हम रिकॉर्ड करके उसमें फिर वो चलती रहती हैं देन आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन बिटवीन टू थिंक ओवर द इश्यूज जो चल रहे हैं देन रिसर्चिंग ओवर दैम हर परस्पेक्टिव से दीन के हवाले से भी साइकोलॉजी के भी हवाले से सोशियोलॉजी के भी हवाले से मुझे होता है कि हर तरीके से वो आपको परस्पेक्टिव मिल सके और आपको एक होलसम जवाब उसका यह सोलूशन मिल जाए Um, इस, इसी तरीके से मैं सोच रही थी और काफ़ी देर से मैं सोच रही थी कि बच्चा बदतमीज़ कैसे हो सकता है आई फील टू अंडरस्टैंड कि बच्चा बदतमीज़ हो सकता है बिकॉज और अगर दिन से मैं अगर इसको एक बैक करूँ या इसका मैं प्रूफ दूँ एक एज तक बच्चा जो है वो अगर गॉड फॉर बेट पास हुए वह जन्नती है अगर उसने कोई भी डिसीजन लिया था और उसने सोच समझ के अपने ईवल थॉट्स के साथ ऐसे लिया होएगा अगर आपको जिस तरीके से लगता है और माँ बाप अक्सर ओकात ये जो कंप्लेन करते हैं कि ये ये तो ये ये चाहता है मुझे ये हर्ट करना चाहता है ये मेरी बात नहीं सुनता ये इस तरीके से मुझे तंग करना चाहता है ये जानबूझ कैसे करता है अगर उसकी कॉन्शियस डिसीज़न होता उसका अपना डिसीजन होता उसकी पकड़ होती इस पर लेकिन नहीं होती और किस वजह से नहीं होती क्योंकि उस एक सर्टेन एज तक जब तक वो प्यूबर्टी हिट नहीं करता जब तक कि वो हर चीज़ से पाक है किस तरीके से भैया उसका कोई भी डिसीजन जो है वो उसका पकड़ उस पर पकड़ नहीं है वो जन्नति है अगर वो गॉड फॉरबेट ही पासेज हुए ही शी पासिस हुए इट मीन्स के उस उम्र तक जो भी वो कर रहे हैं वो एक्शन नहीं है वो रिएक्शन है आपने उसके साथ कुछ किया जिसकी वजह से उसका रिएक्शन ऐसे था जो कि नेचुरल रिएक्शन है या उसने आपको देखा और आपसे उसने कुछ पिक किया और वो नेचुरल रिएक्शन है और वो मुसलसल अपनी इन्वामेंट से रिएक्ट कर रहे दोस्त यार ने कुछ कहा टीचर्स ने कहा स्कूल किस और ये भी आपकी गलती है अगर आप उसको इस तरीके से इस इन्वायरमेंट से एक्सपोज कर रहे हैं जहाँ से वो गलत रिएक्ट कर रहा है जिसकी वजह से वो गलत रिएक्ट कर रहा है उसने टीवी पे कुछ देखा उसने मीडिया से कुछ पिक किया उसने uh, कजन से या फैमिली से कुछ पिक किया उसने आपसे कुछ पिक किया यह मुसलसल उसके जो है वो रिएक्शन है तो जो uh, अगर मैं बड़ा एक क्रूड सा बड़ा ब्लंट एक प्रिसाइज uh, सा इसका जवाब दूँ या एक स्टेटमेंट पास करूँ और व्हेन पीपल से कि मेरा बच्चा बदतमीज है और अगर वो उसने प्यबी हिट नहीं की सिक्स और सेवन मैं कहूँगी बच्चा नहीं बदतमीज आप रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चा सिर्फ आपकी बैड पेरेंटिंग पे रिएक्ट कर रहा है बच्चा हैप्पी नहीं है बच्चा अच्छा पेरेंटेड नहीं है यू नॉट यू आर द वन हु इज प्रोबली वन हु इज लाइंग या हु इज मैनिपुलेटिव या हु इज कॉजिंग ट्रबल और हर्टिंग और वट एवर और उसने आपसे सारा वो जो है वो मिमिक कर करके कर करके कर, 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 अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बनाना शुरू की हुई है एंड दैट सर्टेन एज जब तक वो अकाउंटेबल नहीं है हम भी उसको अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते हम उसको समझा सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसको समझा सकते हैं सही गलत लेकिन वो हमारी जिम्मेदारी है हम उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते इस चीज का तो हमने उसको उस वक्त कहना ये आपने गलत काम किया आपने ऐसे नहीं करना लेकिन वो जो करेक्ट करना है वो वो माँ बाप की जिम्मेदारी है वो बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है कि वो एक इमीडिएटली वो किसी तरीके से उसको समझ आ जाएगी कि क्या गलत था मैंने क्या किया था और क्या करना चाहिए था ही हैज बेर्डली लिव्ड अ फ्यू इयर्स इन हिज लाइफ आपने उसे कितनी मल्टीपा मल्टीप्लाइड अपने इयर्स उसके रह चुके हुए हैं आपको ज़्यादा पता है कि किस सिचुएशन में किस तरीके से एक्ट करना होता है किस तरीके से नहीं करना होता तो जो बच्चे जो है वो चीख चार कर रहे होते हैं मार रहे होते हैं गिर रहे होते हैं टैंडम स्ट्रो कर रहे होते हैं गालियां दे रहे होते हैं जो भी कर रहे होते हैं बच्चों को नहीं ऐसे स्टेयर करना चाहिए माँ बाप को देखना चाहिए कि माँ बाप क्या करते हैं या क्या एक्सपोजर इसका इन्वायरमेंट है जिसकी वजह से ये बच्चा बेचारा इस तरीके का बन गया तो एक सर्टेन एज तक जो है Uh, जब तक वो प्यूबर्टी हेट नहीं करता या जब तक कि उस पर वो uh, अल्लाह की तरह से दीन के uh, हिसाब से अकाउंटेबिलिटी नहीं है आप इसको ना अकाउंटेबलिटी रहें ना उसको लेबल करें बदतमीज़ झूठा गंदा ये डू नॉट लेबल दर चाइल्ड लाइक दिस बच्चा अच्छा है प्यारा है और आपकी तरह बनेगा जिस तरीके के आप है तो आप आपको जहन में रखिएगा जो भी आप उसको कह रहे हैं असल में वो सारा कुछ आप ही होंगे या वो उसका इन्वायरमेंट होता है जहाँ से वो पिक कर रहे हैं तो आप इन्वायरमेंट को करेक्ट करें ना कि बच्चे की जो है वो छतरवाल हड़व करते रहें बच्चा बदतमीज़ नहीं है हमें इन्वामेंट वो प्रोवाइड करने की बहुत शिद्दत से ज़रूरत है जिसमें बच्चा जो है आगे जाके बड़ा जो बदतमीज़ बड़ा नहीं बनता ठीक है तो प्लीज़ बच्चों को बदतमीज़ कहना छोड़ दें और अपनी पेरेंटिंग पे जोर दें ताकि इन हम अच्छे बच्चों को पेरेंट कर सकें और हमारी पेरेंटिंग बेहतर होती रहे मैंने बहुत दफ़ा कहा है और मैं हमेशा यह कहूँगी आई विल स्टैंड बाई इट ऑलवेज़ पेरेंटिंग इज़ नॉट अबाउट द चाइल्ड पेरेंटिंग इज़ अबाउट द पेरेंट्स सो लेट्स बी बेटर पेरेंट्स थैंक यू